हेलो भाई, मैं हूँ मनी उंगार। आप सब कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे। भाई आज अपने साथ खड़ी हुई है टाटा की नेक्सॉन नेक्सॉन ईवी खड़ी हुई है। इसका कोई अपर वेरिएंट नहीं, बिल्कुल बेसिक जो क्रिएटिव प्लस आता है मीडियम रेंज में, जिसकी हमें रेंज लगभग लगभग 321 किलोमीटर के अराउंड जो कंपनी क्लेम कर रही है देखने के लिए मिलती है। आज इस कार में बात करेंगे। नेक्सॉन ईवी ऑलरेडी बहुत महंगी कार है, सब जानते हैं ये बात तो, लेकिन हम बात करेंगे कि बेस वेरिएंट आखिर हमें कितने रुपए में देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात करूं इसमें हमें क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं फीचर्स, वो तो हम कार का एक बार ओवरव्यू करेंगे तभी पता चलेगा। बाकी फ्रंट से अगर कार की मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो इसकी जो हमें चौड़ाई विड्थ मिलती है, सबसे पहले 1811 की हमें यहाँ पर इसकी चौड़ाई देखने के लिए मिल जाती है कार की। बाकी आप यहाँ पर ध्यान देंगे, जो इसका ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये केवल लाइट्स हैं, DRL है, ये पूरा कनेक्टिंग यहाँ पर नहीं जलती है। ये जो बीच वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर आपको जलता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि बिल्कुल बेस वेरिएंट है। टॉप एंड या हम अपर लाइन वेरिएंट्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये देखने के लिए जलता हुआ मिल जाएगा। बाकी नीचे बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे हैलोजन में आपको हेडलाइट दे दी जाती है, और फॉग लैम्प ये वाला जो सेटअप होता है डबल बैरल, वो सब यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी ना कोई 360 डिग्री कैमरा, ना इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो, बिल्कुल बेसिक पुराना वाला क्रोम में ही आपको यहाँ लोगो भी देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी अगर बात करता हूँ ये ग्रिल व्रिल आप सब देख सकते हो, बिल्कुल मैट ब्लैक, मतलब फ्रंट से आपको कहीं ना कहीं हल्का सा ये फील दे देगी कार कि आप बिल्कुल बेस वेरिएंट सामने से देख रहे हैं। भाई अगर कार की साइड से बात करूँ, लेंथ की सब 4 मीटर 3994 mm की यहाँ लेंथ मिल जाती है। वहीं अगर व्हील बेस की बात करूँ तो मोटा मोटा 2500 mm 2 mm कम हो जाता है, 2498 mm का व्हील बेस देखने के लिए मिल जाता है। वहीं बात करता हूँ ग्राउंड क्लियरेंस, तो भाई वो तो कुछ जवाब ही नहीं है, इस कार का बेहतरीन देखने के लिए मिलता है। मिलता कितना है तो 205 का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर कंपनी आपको ऑफर कर देती है। वहीं बात करूँ ORVM की तो कैसे मिल रहे हैं भाई, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल मिल जा रहे हैं आपको, ब्लैक पूरा पट्टी मिल जा रही है जो कि आपको यहाँ पर प्रीमियम फील दे देगी। वहीं बात करता हूँ रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिल जा रहा है, बॉडी कलर डोर हैंडल्स, मतलब कहीं से कहीं तक ये कार साइड से आपको फील नहीं देगी कि आप एक बेस वेरिएंट देख रहे हैं। वहीं बात करता हूँ इंटीग्रेटर, तो आप देखेंगे ORVM पर देखने के लिए मिल जाता है, ORVM ब्लैक आउट देखने के लिए मिल जाता है। ए पिलर की बात करूँ ब्लैक आउट, बी पिलर ब्लैक आउट, सी पिलर आपको यहाँ पर बॉडी कलर्ड और ब्लैक आउट दोनों का मिक्सिंग, मतलब एक स्पोर्टी लुक भी यहाँ पर कार को देने की कोशिश की गई है। वहीं अगर बात करता हूँ कार की यहाँ पर, तो आप देखेंगे पूरी ब्लैक क्लैडिंग 360 डिग्री अराउंड हमें चारों तरफ देखने के लिए मिल जाती है कार में। टायर साइज की बात करूं तो आप यहां पर देखेंगे स्टील रिम हमें व्हील कवर के साथ देखने के लिए मिल जाते हैं। और टायर साइज क्या है भाई, तो टायर साइज अपना कहां गया, दिस भाई 216 इंच का टायर मिल जा रहा है, आगे डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जा रहा है। और रियर में बात करते हैं तो रियर में यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिल रहा है, कंपनी यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक ऑफर नहीं कर रही है, तो कुछ साइड से इस तरह से रहती है कार। वहीं अगर रियर साइड में आते हैं कार के, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कोई भी डिफॉगर नहीं, वॉशर यूनिट नहीं, कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता, बिल्कुल प्लेन शीशा देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर ये ब्लैक बिल्कुल मैट ब्लैक जैसे बोलते हैं ना, बिल्कुल बेसिक वाला, वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर शार्क फिन एंटीना यहाँ कंपनी आपको ऑफर कर देती है। यहाँ देखते हैं तो Noxon.EV की वेजिंग देखने के लिए मिल जा रही है। रियर में कैमरा भी, बेस वेरिएंट में आपको कैमरा भी देखने के लिए मिल जा रहा है। और बात करता हूँ तो 2 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर यहाँ देखने के लिए मिल जा रहे हैं। ये बेस वेरिएंट तो है, लेकिन जब मैं आपको इस बेस वेरिएंट की प्राइस बताऊंगा तो आप कहेंगे ये बेस वेरिएंट नहीं है, इसीलिए आपको इतने सारे फीचर्स बेस वेरिएंट में यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर मैं बूट को ओपन करता हूँ यहाँ से, तो भाई बूट ओपन होगा ही नहीं, क्योंकि इसकी बैटरी बिल्कुल डेड है। भाई बूट स्पेस की बात करूँ नंबर्स में, तो 350 लीटर का बूट स्पेस अंदर हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो ओवरऑल कुछ इस तरह से रहता है 360 व्यू कार का। आप कार के अंदर चलते हो, अंदर से देखते हैं कार में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है। अगर बेसिक बात करता हूँ फ्रंट ड्राइवर साइड गेट की, तो आप देखेंगे ब्लैक एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में मिल जा रहा है, ऑल फोर पावर विंडो मिल जा रही है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक यहाँ देखने के लिए मिल जा रहा है, क्रोम में डोर हैंडल्स हो गए, ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल हो गए। यहाँ पर बेस वेरिएंट है, फिर बता रहा हूँ, ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जब आप ड्राइवर साइड सीट पर ध्यान देंगे, हाइट एडजस्टमेंट का फीचर मिल जाएगा, रिक्लाइन एंगल आप सेट कर सकते हैं कार में अंदर बैठते हैं। तो भाई सबसे बड़ी दिक्कत बस यही है, मैं आपको ये स्टार्ट करके नहीं दिखा सकता क्योंकि इसकी बैटरी बिल्कुल डेड है कार की। आपको हार्मन पावर्ड म्यूजिक सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है, नया वाला जो बड़ा बड़ा आ रहा है वो नहीं मिलेगा यहाँ पर इसमें, लेकिन आपको वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। बल्कि आपको ये जो डैशबोर्ड ये सब है ना, ये बिल्कुल फील दिला देगा हाँ बिल्कुल बेस वेरिएंट है। अगर आप नेक्सॉन को पेट्रोल
पेट्रोल डीजल में भी लेते हो ना, तो बिल्कुल इसी तरह का प्रोफार्मा आपको अंदर से देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ देखते हैं तो सॉफ्ट टच कुछ भी नहीं है, सब कुछ हार्ड टच है। यहाँ आपको एसी के कंट्रोल्स, फैन के कंट्रोल्स, टिकटॉक हज़ार सब कुछ यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर जो कुछ भी आप करते हैं वो सब यहाँ आता है, डन रिपोर्ट है। नीचे बात करते हैं तो 12 वोल्ट 120 वाट का सॉकेट देखने के लिए मिल जाता है। यूएसबी हो गया, सी टाइप चार्जिंग पिन हो गई यहाँ पर। ये अपना क्या हो गया भाई, तो रिवर्स ड्राइव, न्यूट्रल हो गया, इको सिटी स्पोर्ट, तीन मोड हो गए अपने। ये फोन मोड रखने का स्पेस हो गया, कप होल्डर हो गया, यहाँ पर हैंड ब्रेक मिल जा रहा है इधर हमें। अगर इधर बात करता हूँ ग्लव बॉक्स की, तो ग्लव बॉक्स भाई साहब कितना बड़ा है, मतलब स्पेस ही स्पेस है भाई। मारुति की चार गाड़ियों के बराबर इसका एक अकेला ग्लव बॉक्स है यहाँ पर। बाकी इधर ध्यान देते हैं तो क्या मिल जा रहा है, वैनिटी मिरर। इधर ध्यान देते हैं टिकट होल्डर, यहाँ पर केबिन लैंप, लेकिन चलेगी नहीं क्योंकि बैटरी ही नहीं है कार में। इधर बात करते हैं तो मैनुअली एडजस्टेबल डे नाइट IRVM देखने के लिए मिल जाता है। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पर आपको क्या मिल जा रहा है, कुछ नहीं मिल रहा भाई, एयरबैग की बैजिंग है, सनरूफ वनरूफ कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलती है। तो ओवरऑल डन रिपोर्ट है अंदर से कुछ इस तरह से। अब पीछे चलते हैं और पीछे से भी देखते हैं कार में हमें क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है। बाकी एक चीज़ बताऊँ, अगर स्टेयरिंग की तो टू स्पोक वाला ही देखने के लिए मिल रहा है, हॉर्न बजेगा ही नहीं क्योंकि बैटरी नहीं है। डी कट मिल जा रहा है देखने के लिए, बाकी ये जो होता है ना ऐसे पकड़ के चलाओ तो ये दब जाते हैं यार। बाकी पैडल शिफ्टर्स भी यहाँ पर कंपनी आपको ऑफर कर दे रही है। चलिए अब चलते हैं पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ चलते हैं तो भाई गेट ऑलरेडी ओपन है, यहीं से बनाते हैं। तो भाई रियर साइड आप गेट देखेंगे, ये ग्रिप भाई बहुत बढ़िया लगती है, इस तरह की ग्रिप जहां पर मिल जाए। बाकी ये सब सॉफ्ट टच मिल जा रहा है, बहुत बढ़िया भाई, हार्ड टच नहीं है यहाँ पर। ब्लैक एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में मिल जा रहा है। पावर विंडो के स्विच हो गए, डोर हैंडल्स हो गए क्रोम में। अगर बात करता हूँ सीट्स की, एक्सट्रीम कंफर्टेबल और लग्जरी सीट्स आपको देखने में लगेंगी। बात करूँ अगर मैं, अंडर थाई सपोर्ट बढ़िया मिल रहा है, आगे के दोनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल थे और पीछे के भी दोनों ही आपको एडजस्टेबल देखने के लिए मिलते हैं। बेंच सीट नहीं बोल सकते लेकिन एक ही साथ कंबाइंड है, 60-40 के रेशियो में अलग अलग नहीं है। बाकी आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स मिल जाते हैं, 3rd पॉइंट के लिए अलग से मिल जाता है। अगर बैठ के देखते हैं तो भाई बहुत बढ़िया कंफर्टेबल है, काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब बिल्कुल मज़ा आ गया बैठ के। बस अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम लग सकता है लेकिन कुशनिंग बहुत बढ़िया है, मतलब बिल्कुल पकड़ के रखती हैं सीट्स आपको। बाकी यहाँ देखते हैं तो फोन मोन रखने का स्पेस मिल जाता है, लेकिन आपको कोई भी रेयर AC वेंट यहाँ पर कंपनी ऑफर नहीं कर रही है। लेकिन ये अच्छा लगा मुझे, यहाँ पर आपको रखने के लिए फोन मोन स्पेस दे दिया जा रहा है, डन रिपोर्ट है। बाकी अगर हेडरूम की बात करता हूँ, अगर मैं हेडरूम की बात करता हूँ तो आप देख लीजिए कितना, मेरी हाइट अप्रोक्सीमेट 5'11" है, फिर भी मुझे अच्छा खासा मतलब आराम से बैठाऊँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही है यहाँ पर। चलिए बाहर चल के इसके सेफ्टी फीचर्स प्राइस की भी बात कर लेते हैं। अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ भाई, इसमें तो ABS, EBD और आपको ESP और हिल होल्ड कंट्रोल, ये सेफ्टी फीचर्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। भाई अगर मैं बात करता हूँ इसमें जो मोटर हमें देखने के लिए मिलती है वो पावर हमें कितनी निकाल के दे रही है, 127 BHP की पावर और 215 Nm का टॉर्क निकाल कर यहाँ पर हमें दे देती है ये गाड़ी। अगर मैं रेंज की बात करूँ तो ये कार हमें 325 किलोमीटर की रेंज निकाल के दे देती है। भाई अगर प्राइस की बात करूँ, क्रिएटिव प्लस बिल्कुल बेस वेरिएंट खड़ा है, इसका एक्स शोरूम प्राइस 14.5 लाख रुपये। भाई अगर ऑन रोड की बात करता हूँ तो आप मान के चलिए 16-16.5 लाख के अराउंड ये कार हमें टैक्सेस एंड नॉर्म्स लगा के ऑन रोड देखने के लिए मिल जाती है। ईवी कार बेस वेरिएंट होने के बावजूद भी बहुत सारे फीचर्स हमें इसमें दे दिए जा रहे हैं, इसलिए आपको 16-16.5 लाख यहाँ पर वर्थ लगेंगे थोड़े से, लेकिन कॉस्टली तो है नो डाउट। ईवी कार कॉस्टली होती भी है तो वो आपको प्राइस ज़्यादा लगने वाला है। चलिए तो कुछ इस तरह से थी अपनी कार। कार पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।